Hello everyone, you are welcome back to class and today's is T.S. Eliot. आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को तीन लिंक दिए हैं. एक में T.S. Eliot के जितने वर्क्स हैं उनके काफ़ी सारे नोट्स हैं, 50 मिनट की वीडियो है. दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है द वेस्ट लैंड का. ठीक है, वेस्ट लैंड T.S. Eliot का बहुत ही मॉन्यूमेंटल वर्क है, तो आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. 50 वर्क्स के समथिंग में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क है जहाँ पे कि T.S. Eliot के कन्वर्जन के बारे में है, वो वाला वीडियो भी मैंने ऐड कर लिया है T.S. Eliot के नीचे. वो है आपका एश वेंसडे. ठीक है, एश वेंसडे. तो ये दो आप लोगों को वर्क कंप्लीट कर लेने हैं, दि वेस्ट लैंड, एश वेंसडे और जो बाकी चीज़ें हैं. तो T.S. Eliot का ये वाली PDF भी मैं ऑलरेडी ग्रुप में आप लोगों को दे चुका हूं और हम इसमें देखते हैं इसमें, क्योंकि आपके कोटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये एक शॉर्ट रिवीजन सेशन आप बोल सकते हैं T.S. Eliot का. तो चलिए बायोग्राफी देखते हैं. बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 26, 1888. तो 88 आप लोगों को याद रखना और 888 से आप लोगों को एक कोरिलेशन भी बन जाएगा. सेंट लुइस मिसूरी यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था. एन इन्फ्लुएंशियल पोइट, एसेज, प्लेट एंड लिटरेरी क्रिटिक. मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1914. ये इंपॉर्टेंट है, वो इंग्लैंड गए थे 1914 में एंड बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन इन 1927. यहीं पर मीन्स जो वर्क है नीचे वो, ये आप लोगों को दो पॉइंट्स याद रखने कि इंग्लैंड वो कब गए थे 1914 में और ब्रिटिश सिटीजनशिप जो मिली थी उन्हें वो 1927 में बन गए थे. और जन्म उनका कहाँ से कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में. तो दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, यूनाइटेड स्टेट्स से वो इंग्लैंड चले गए थे और उन्हें जो सिटीजनशिप मिली थी वो सिटीजनशिप 1927. वन ऑफ द की फिगर्स इन 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट पोएट्री एंड अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948 में उन्हें क्या मिला था. देखिए 48, 88 इस तरह से आप लोगों को याद रखना है. एंड डाइड इन 65 और 65 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड. तो चलिए नोटेबल वर्क्स के बारे में हम नीचे देखेंगे. ये ऑलरेडी मैंने नीचे ऐड किया है, ये चार आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो नोटेबल वर्क्स हैं. ऊपर मैंने चूज करके रखे हुए हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट है. द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड परफ्रॉक, ये मैंने वीडियो जो इसके नीचे मैंने आप लोगों को लिंक दिए हैं दूंगा ग्रुप में, वो उसमें मैंने आप लोगों का ये डिटेल में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए हैं. द वेस्टलैंड के लिए अलग से वीडियो है जो 1922 में है. लैंडमार्क मॉडर्निस्ट पोएम है, इसलिए आप लोगों को ये कंप्लीट याद होना चाहिए. एश वेंसडे मैंने कहा आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट वर्क है उनके. फोर पोर्ट्रेट्स 1943, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये चार वर्क तो आप लोगों के हो गए. अब आ जाते हैं कुछ कोट्स हैं उनके. अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिए और रट लीजिए इसको. अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलेक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर्स, स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन फ्रॉम द वेस्ट लैंड 1922 से 22 में है. ठीक है, तो 22 भी आप लोगों को याद रखना है, इनकी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं. We shall not cease from exploration and end of all our exploration will be to arrive where we started and know the place for the first time from the little getting in four quartet. ये four quartet के बारे में भी मैंने उस वाली वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताया है. Quotations याद रखिए. In my beginning is my end from the east cocker in four quartet. Four quartet का ही क्या है, ये part है आपका. I will show you fear in handful dust. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेस्टलैंड के, वेस्टलैंड से लिया गया कोटेशन है. Do I dare disturb the universe in a minute? There is time for decision and revisions which a minute will reverse from the love song of J. Alfred Prufrock 1915. The journey not the arrival matters from the rock. ये rock poem से उन्होंने लिया है यहाँ पर. 34. Humankind cannot be a very much reality from Burnt Norton. Burnt Norton जो है वो four quartet का ही part है. Next is time present and time past. Time present and time past are both perhaps present in time future and time future maintained in time past. From Burnt Norton,
फोर क्वार्टेट 1936। फोर क्वार्टेट के आपको कहीं कहीं पर चेंज मिलेगा, जैसे 35 हो गया, 36 हो गया, क्योंकि ये पार्ट्स में बहुत सारी पोएम्स हैं इसके अंदर। जेन्युइन पोएट्री कैन कम्युनिकेट बिफोर इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूजेस ऑफ क्रिटिसिज्म। ये इन्होंने 33 में किया था। देखिए 22 के बाद आपके पास 33 आ गया है, 88 आप लोगों के पास में है। तो देखिए कुछ कोऑर्डिनेशन से आप चीज़ों के साथ खेलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और आप लोगों को चीज़ें याद भी होने लग जाती है। और जैसे यहाँ पे ही है आपका जो द संग द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक, तो आपको पता है कि 14 में वो कहाँ गए थे, ब्रिटेन चले गए थे, तो आप लोगों को याद हो जाएगा 14 एंड 15। यहाँ पे 22, 88, 33, इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेशन मिल जाता है, तो क्या होता है आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी जल्दी। मॉडर्निटी एंड इट्स डिसकंटेंट। मॉडर्निज्म, क्योंकि मॉडर्निस्ट एक लीडिंग मॉडर्निस्ट पोइट है, राइटर है, तो मॉडर्निटी एंड इट्स डिसकंटेंट्स, एलिनिएशन एंड फ्रेगमेंटेशन, टाइम एंड सर्च फॉर मीनिंग, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये सारी चीजें उन्होंने अपने जो की फीचर है उनके वर्क में, स्पिरिचुअल एंड डिमांडेड। इन्फ्लुएंस की बात करें तो एलियट्स वर्क्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द सोर्स ऑफ द कोर्स ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मॉडर्निस्ट पोएट्री के लिए एक इन्फ्लुएंशियल और इंस्ट्रूमेंटल थे। इन्फ्लुएंसिंग पोइट्स सच एज डब्ल्यू एच ऑर्डन, डैलन थॉमस एंड सिल्विया प्लैथ, काफी ज्यादा इम्पैक्ट था इनका। हिज एसेज ऑन पोएट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म सच एज द सेक्रेट वर्ड 1920 एंड ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919 रिमेन इन्फ्लुएंशियल इन लिटरेरी स्टडीज। तो ये सारे वर्क्स हैं उनके। एलियट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलीजन एंड फिलोसॉफिकल थीम इन फोर क्वार्टेट हैज ऑल्सो हैड दी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स एंड स्कॉलर्स अलाइक। उनके कुछ नोट्स यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, और जो दूसरी वीडियो है ग्रुप में उसमें आपके बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई है। तो एटलीस्ट टी एस इलियट को आप लोग कर लीजिएगा। मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्निज्म जो है पार्ट, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक 1915, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच द स्पीकर परफ्रॉक रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स। ये जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द पोएम इज नोटेबल फॉर इट्स यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का भी यूज किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कौन कौन से वर्क्स में किया गया है, तो अगर उसमें द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक होगा तो वो आंसर में आएगा आपका। द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड जो है 1922 का है, लैंडमार्क है आपका, और वर्ल्ड वॉर के बाद का जो वर्ल्ड है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड जो है, डिसइल्यूजन वर्ल्ड, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, टूटा हुआ जो विश्व है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, उसको बहुत अच्छे से इसको इसमें उन्होंने शो किया है। द पोएम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिच लिटरेरी अल्यूजन्स, मल्टीपल वॉइसेस एंड यूज ऑफ मिथ एंड सिम्बलिज्म टू एक्सप्लोर। तो यहाँ पे आपको सिम्बलिज्म हो गया, मिथ हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है एश वेंसडे 1930, अ सीरीज ऑफ पोएम रिफ्लेक्टिंग इलियट्स कन्वर्जन। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि जो इलियट का कन्वर्जन था उसके बाद कौन सा उन्होंने वर्क लिखा था, ठीक है? तो 27 में उन्हें सिटीजनशिप मिली थी, और वहीं पर मीन्स एक तरह से ये स्पिरिचुअल था उन लोगों के लिए जो राइटर थे उनके लिए। एंग्लिकनिज्म उन्होंने कन्वर्ज, मतलब वो कन्वर्ट हो गए थे एंग्लिकनिज्म में। एंड हिज स्ट्रगल विद फेथ एंड डाउट, और जो उनका फेथ एंड डाउट जो चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी कन्वर्जन के बाद में, जब एक इंसान कन्वर्ट हो जाता है दूसरे धर्म में, दूसरे बिलीफ में, फेथ में, तो उसके कई सारे डाउट्स होते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने एश वेंसडे लिखी है। फोर क्वार्टेट्स, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा आपका, वही कन्वर्जन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर एस वेंसडे ही होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फोर क्वार्टेट्स 1943, देखिए फोर क्वार्टेट 1943 में आप लोगों को जो टोटल पब्लिश है वो इसमें हुआ था, 43 में हुआ था, बट अगर उसके कुछ पार्ट्स हैं तो अलग अलग पार्ट्स में हुए हैं, मैंने आप लोगों को दूसरी पीडीएफ में दूसरी वीडियो में पूरा क्लियर किया है इसको। अ सीरीज ऑफ फोर इंटरकनेक्टेड पोएम्स दैट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ टाइम, मेमोरी एंड सर्च फॉर स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट। ईच क्वार्टेट नेम्ड आफ्टर अ प्लेस, तो बर्ट नॉटन, ईस्ट कॉकर,
ड्राई सैल्वेज एंड लिटिल गिडिंग, ये चार इसके पार्ट है। किसके? फोर क्वार्टेट के जो चार पार्ट है वो ये है, आप लोगों को याद रखना है। बर्ड नॉर्टन, ईस्ट कॉकर एंड ड्राई सैल्वेज एंड लिटिल गिडिंग। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि बेड एल करके आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक टाइप बना सकते हैं जिससे आप लोगों को ये याद रहेगा। मर्डर इन कैथेड्रल, ये उनका 1935 में पब्लिश हुआ था। अ वर्स ड्रामा, ये वर्स ड्रामा है। दैट डिपिक्ट्स द असैसिनेशन ऑफ आर्च बिशप थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी कैथेड्रल इन 1170। तो यहाँ पे असैसिनेशन, इसको मार दिया गया, किसको? आर्च बिशप को, थॉमस बैकेट को। तो उस पर उन्होंने एक वर्स ड्रामा लिखा है। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मार्टिडम, फेथ एंड स्ट्रगल बिटवीन चर्च एंड स्टेट। उसके बाद आता है दी हॉलो मैन, ये भी आपके मॉडर्निस्ट पोइट्री है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में है। अ पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन एम्प्टीनेस, जो एक खालीपन था, डिसइल्यूजनमेंट था, इंसान को सोचने के लिए चीज़ें मीन्स फिक्स नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजनड इंसान उस टाइम पे फील कर रहा था, उसके बारे में दी हॉलो मैन है 1925। The poem is known for its haunting imagery and its depiction of world on the brink of collapse. Next is the cocktail party. Cocktail party 1949. So 49 आप लोगों को याद रखना है. Okay. A verse drama, ये भी आप लोगों का क्या है? Verse drama है. Explores the complexity of human relationship and search for meaning in a world marked by disillusionment and despair. The play is noted for its blend of philosophical ideas and psychological insight. नेक्स्ट इज द एल्डर स्टेट्समैन, ये 1953 में पब्लिश हुआ था। वर्ड्स ड्रामा है, दैट सेंटर्स ऑन कैरेक्टर्स ऑन लॉर्ड क्लेवर्टन। यहाँ पे एक आप लोगों का बन जाता है कि लॉर्ड क्लेवर्टन, क्लेवर्टन कौन से वर्क का कैरेक्टर है? द एल्डर स्टेट्समैन, एल्डरली स्टेट्समैन हु रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ एंड द चॉइसेस ही हैज मेड। The play explores theme of guilt, redemption and the nature of personal responsibility. Next work is The Old Possum's Book, Practical Cats, 1939. Collection of light-hearted poems about cat written for Eliot's godchildren. Journey of the Magi, ये आपका 1927 में पब्लिश हुआ था। Poem that retells the biblical story of the journey of the Magi to Bethlehem टू विटनेस द बर्थ ऑफ जीसस। तो मैगी टू बैथलेहम की स्टोरी है। पूछ लिया जाए तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जर्नी टू मैगी। ईस्ट कॉक 1940, ये पार्ट है आपका। देखिए मैंने ऊपर आप लोगों को 46 दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो ईस्ट कॉकर पार्ट है वो 40 में पब्लिश हुआ था। पार्ट ऑफ फोर क्वार्टर्स, दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस क्लिनिकल नेचर ऑफ टाइम एंड आइडिया ऑफ रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग। जो हमारी सफरिंग है वो एक और फिर रिडेम्पशन है। सफरिंग एंड रिडेम्पशन ये चलता रहता है, एक साइक्लिकल, एक साइकिल जो बन जाता है वो इस पोएम में, ईस्ट कॉकर में बताया गया है। और द पोएम इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इन सोमरसेट। सोमरसेट इंग्लैंड में एक विलेज है ईस्ट कॉकर उसका, जहाँ पे कि इलियट के एंसेस्टर्स रहते थे। The Rock, a verse play, ये verse play है, explores the role of the church in modern society and the tension between spiritual and worldly concern. The play is notable for its use religious and political allegory. Marina 1930 का work है, ये poem है, reflects on passage of time and loss of innocence पे है। और यहाँ पर बहुत ही important ये चीज़ आपको याद रखें, जो Marina जो poem है वो एक character है, Pericles प्रिंस ऑफ टायर, ये शेक्सपियर का वर्क है। इसमें एक कैरेक्टर है मरीना, उससे मोटिवेटेड होकर या वहाँ से उन्होंने मरीना नाम से ये वर्क लिखा है। द फैमिली रियूनियन 1939, अ वर्स ड्रामा, ये एक वर्स ड्रामा है। एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ गिल्ट, रिडेम्पशन एंड नेचर ऑफ फैमिलियल रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1950, अ वर्स ड्रामा दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड मिस्ट्री। The play explores themes of identity, deception and the search for meaning in a chaotic world. तो ये जो chaotic world है, disillusionment है, ये बहुत ही important है T.S. Eliot की poems में। तो hopefully आप लोगों ने ये सारी चीज़ें note कर ली होंगी। T.S. Eliot थोड़ा सा आपको detail में पढ़ना है, क्योंकि उससे questions
बनने के चांसेस हैं। मॉडर्निस्ट मोनूमेंटल राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर है। तो आप लोगों के होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी साथ साथ चलाते रहिए, फ्लैश कार्ड जरूर बनाते रहिए, ऑडियोज जरूर सुनते रहिए। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के पास टाइम नहीं है वीडियोस को देखने का, तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वीडियोस को सुन सकते हैं आप। और जब आप बार बार उन चीज़ों को रिपीटिशन में सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।